मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। आजचा आपला टॉपिक आहे प्रजनन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान। ऑलरेडी यावर मी डिस्कस केलेला आहे, पहिले से मैंने इस टॉपिक ऊपर डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, ठीक है, तुमने देखा होगा। तो जो प्रॉब्लम्स थे कि जो शादीशुदा कपल्स हैं उनको संतान नहीं होती, तो क्या प्रॉब्लम्स थे, तो उसको कैसे हम दूर कर सकते, तो जो आधुनिक तकनीक है उसके द्वारा हम वो कोई भी दंपति हो वो अपत्य प्राप्ति कर सकता है, मतलब वो संतान को प्राप्ति कर सकता है। कैसे, देखो, तो पहला जो है आधुनिक तकनीक उसका नाम है काच नली के तिल फलन, उसका बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं IVF टेक्निक होती है। क्या करता, काच नली के मध्य दोन पू युग्मकाचे फलन घड़ून आणले जाते, मतलब वो क्या करेंगे, कांच नलिका लेंगे, ये कांच नलिका है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब। इस कांच नलिका के अंदर वो क्या करेंगे, दो पुयुग्मक, मतलब मान लो जो मेल और यहाँ पे फीमेल, पुरुष और स्त्री, ठीक है, तो पुरुष और स्त्री जो है, पुरुष का पुयुग्मक, पुयुग्मक, और इसका स्त्री युग्मक, मान लो पुरुष का पुयुग्मक हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, स्त्री का स्त्री युग्मक यहाँ से हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, पुरुष का पुयुग्मक और स्त्री का स्त्री युग्मक दोनों को यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे बनेगा भ्रूण, क्या बनेगा, भ्रूण। बघा, पुरुषाचे पुयुग्मक आणि स्त्रीचे स्त्रीयुग्मक यांचा संयोग कुठे गेला, या कांच नलिकेमध्ये, उस कांच नलिका के अंदर उनका क्या किया, संयोग किया, और उससे क्या बना, एक भ्रूण बना। अब वो भ्रूण का तयार झालेले भ्रूण, जो भ्रूण बना है योग्य वेळी सही समय पर दाम्पत्यातील स्त्रीचा, अब ये जो पुरुष है इसकी जो वाइफ है, ये स्त्री उसकी जो बायको बोलना, दाम्पत्यातील स्त्रीचा गर्भाशयात रोपण केला जातो। अब क्या करते हैं कि ये जो हस्बैंड है ये उसकी वाइफ है, अब क्या होगा, ये जो हस्बैंड है, हा जो नवरा है, तो याची जी नवरी है, त्या नवरीच्या गर्भाशयामध्ये, उस दुल्हन के गर्भाशय में, उसकी जो वाइफ है उसके वाइफ के गर्भाशय में इस भ्रूण का क्या किया जाता है, सही समय पर उसको आरोपित किया जाता है, मतलब रोपण केला जातो, और उससे क्या होता है, फिर वो संतान में कन्वर्ट होकर उसका जन्म होता है। ये कहाँ पे करते हैं, अगर किसी पुरुष के अंदर शुक्र पेशी से अल्प प्रमाण उसका प्रमाण कम है, या स्त्री अंडपेशी अंड नलिके मध्ये प्रवेश करण्यात असलेला अडथळा, या वो अंडपेशी स्त्री के अंड नलिका में प्रवेश करने के लिए कोई रुकावट आ रही, तो इस तकनीक का, तो IVF इस तकनीक का इस्तेमाल करके दंपति को संतान प्राप्ति होती है, जो मैंने बताया तुम्हें। अब अगला जो है वो सेकेंड है, देखो, ठीक है, जो दूसरी टेक्निक है वो है बढ़ोतरी मातृत्व। आता दूसरी पद्धत, म्हणजे आधुनिक पद्धतीमध्ये पहिला आपण बघितला कोणता, काच नलिका में होने वाला फलन, और काच नलिकेतील फलन, दूसरा है बढ़ोतरी मातृत्व, हिंदी में कहते हैं स्थापन्न मातृत्व। क्या होता है, चलो मैं समझाता हूँ, मेल फीमेल ये लिखना नहीं तुम्हें, पुरुष स्त्री, मान लो ये हस्बैंड है और ये उसकी क्या है, वाइफ है, नवरा त्याची नवरी, हा कौन है, नवरा है, ही कौन है, त्याची नवरी, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये जो स्त्री है, ठीक, अब ये जो स्त्री है, ये स्त्री जो है इसका जो गर्भाशय, या स्त्रीचे गर्भाशय त्या बाळासाठी बरोबर नाही, की त्या स्त्रीच्या गर्भाशयामध्ये त्या भ्रूणाचे रोपण होऊ शकत नाही, मतलब इस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण नहीं हो सकता, मतलब इसका जिसकी जो कोख है वो सही नहीं है, उसमें कोई भी संतान नहीं बन सकता। अब ये इसका जो गर्भाशय, उस गर्भा
शय के अंदर ही क्या है, दोष है, तो फिर वो कैसे बच्चों को जन्म देगी? तब ऐसे जो कपल्स हैं, ऐसी जो दंपत्ति है, वो कैसे माँ बनेगी? तो ये माँ नहीं बन सकती, तो कैसे किया जाए? तब जाके एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे बता दूँ। अब गर्भाशय रोपण नसलेल्या स्त्रीच्या अंडाशयातून अंडपेशी मिळवली जाते। अब क्या होता है, अब ये जो स्त्री है, इस स्त्री का गर्भाशय जो है उसके अंदर रोपण क्षमता नहीं है, रोपण क्षमता नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस स्त्री के जो गर्भाशय में जो अंडाशय होता है, ये जो स्त्री है जिसके गर्भाशय में रोपण आरोपण क्षमता नहीं है, उस स्त्री के जो अंडाशय है, उस अंडाशय में से अंडपेशी लेते हैं। मान लो ये वो अंडपेशी है, समझ के चलो, इसे डिंब कहते हैं, ये अंडपेशी जिसे हिंदी में कहते हैं डिंब, इस डिंब को मैंने यहाँ पे लिया, ये स्त्री का है, ठीक है। अब आते हैं, या अंडपेशी से काश नली के मध्य, देखो इसने भी काश नली का, अब यहाँ पे मैंने टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, ये काश नली का है, काश नली का, ठीक है। या अंडपेशी से इस अंडपेशी मतलब डिंब का काश नली का के अंदर त्याज स्त्री चा, ये जो स्त्री है इसका पति कौन है, ये है, ये उसका हस्बैंड है, उसी के पति का शुक्र पेशी चा वापर करून फलन गुणवा दे। अब ये जो उसका पति है, ये पति क्या देगा, शुक्र पेशी देगा, शुक्र पेशी, मान लो ये उसके पति के शुक्र पेशी, उसी के पति क्या, किसी और के नहीं, ठीक है, तो वो शुक्र पेशी। अब दोनों को मैं मिलाऊंगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये पति का हो गया शुक्र पेशी आणि त्याच्या बायकोचे ते डिंब म्हणजे अंडपेशी, दोनों मिल के इनका क्या होगा, अंदर फलन होगा, फलन होने के बाद क्या बनेगा, एक भ्रूण बनेगा, क्या बनेगा, भ्रूण, यातून तैयार झाले भ्रूण, देखो बन गया, इसके अंदर क्या बना, भ्रूण बना। दूसरा स्त्रीचा, अब ये वाइफ का गर्भाशय ठीक नहीं था, अब क्या करते हैं, भाड़े पे एक औरत मंगा, दूसरी रहती है हॉस्पिटल में, मान लो दूसरी औरत है, वुमेन, ये जो औरत है ये जी स्त्री है, वो भाड़ुत्री है, दूसरी है, ये हस्बैंड ये वाइफ, पर कोई और स्त्री जिसका गर्भाशय सही है वहां से एक अलग स्त्री को मंगाएंगे। अब वो स्त्री हमें पता नहीं, हम उसको एक्स मान दे, चल लो, ठीक है। स्त्री चा गर्भाशय भ्रूण रोपण के लिए जाते हैं। अब ये जो स्त्री है इसके गर्भाशय के अंदर, अब ये स्त्री के जो भी गर्भ होगा उस गर्भाशय के अंदर उस भ्रूण को, अब दोनों मिलके भ्रूण बन जाएंगे, मान लो वो कुछ इस तरीके से बन गया हो। अब इस ये जो भ्रूण बना है, इस भ्रूण को इसमें क्या कर देंगे, इस गर्भाशय के अंदर आरोपित कर देंगे। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, इस बच्चे का आकार ले लेगा, खतरनाक बच्चा बन, तो अब ये बच्चा बन जाएगा। अब ये इसको जन्म देगी 9 महीने के बाद, जन्म देने के बाद ये जो लड़का जन्म लेगा, जो भी चाइल्ड होगा, छोटा बालक, ये जो बालक है, ये जो संतान है, अब ये संतान को जन्म इस औरत ने दिया, भाड़े पे लाई थी ना, तो उस औरत को कहते हैं त्या स्त्रीला भाड़ुत्री माता मंतात, मतलब क्या कहते हैं, स्थापन्न मातृत्व, उस औरत को स्थापन्न माता कहते हैं। अब वो बच्चा इनको मिल जाता है, अब वो औरत को कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। ये था तुम्हारा भाड़ुत्री मातृत्व।